की हाल चाल है। मैं हूँ अभी बाड़खा में। ये देखिए झरना नाथ मठ की तरफ जाने वाला रास्ता बाड़खा गांव का, और ये है बाड़खा सिटी। तो ये देख रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह भी आ रही है, बैल भी खड़े हैं इधर, जानवर रोड के ऊपर कुछ बैठे हैं, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही है, और ये इधर पानीपुरी वाला भी पानीपुरी बेच रहा है, और इधर आइसक्रीम वाला भी खड़ा है, और इधर ये टेम्पू खड़ा है, टेम्पू के पास हम लोग खड़े हैं हमारे पास, और इस तरफ है ये बहुत सारी दुकानें, MR ट्रॉलेस, और ये पानी की टंकी अल्ट्राटीमेट सीमेंट। हाँ तो अभी ये है गांव, तो ये है दोस्तों अपना गांव, और गांव का ब्लॉग कैसा लगा हमारे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़, हमें सपोर्ट करना। थोड़ा सा धुंधला हो गया हूँ और थोड़ा मज़ा भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों ब्लॉग बनाने में अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो बहुत ही कठिन परिस्थिति में उसे गुजर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों बहुत ये हो गया है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए बस बस, तो आप आ जाइए दोस्तों। थैंक यू, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, और ये नारे दोस्त भाई सैन है, और हम दोनों आज मिलकर कर रहे हैं बिजनेस। तो बिजनेस में हमें आज हो गया घाटा, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा हो जाएगा घाटा, और घाटा का भी पूर्ति करने की बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मतीरा सूख गया और कुछ कर नहीं सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, आपके है अगर हाथों में दम तो कीजिए कमेंट, कमेंट करना ना भूलें। तो ये छोटा सा अपना गांव है, देख लो गांव का ये मेन गेट है, गेट के ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है, ब्रह्मा जी की मूर्ति लगी हुई है ऊपर, तो कुछ राजस्थान का बाड़मेर का बाड़खा गांव में हम लोग कर रहे हैं बिजनेस। करने के लिए हमने आज थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो किया है, लेकिन हुआ नहीं, मज़ा नहीं आया। तो आप लाइक कीजिए तो मज़ा ज़रूर आएगा, कमेंट कीजिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।